हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रुमाल किट बनाना सिखाऊंगी जिसका मेजरमेंट है। हम ये रुमाल किट छोटे तह वाले हैंकी की बना रहे हैं, तो हमारा मेजरमेंट हम रखेंगे 6.6। इसका हम चकोर पीस बना लेंगे। ये हमने इसका चकोर पीस बना लिया है। ये हमने पेपर पे एक बनाया है और हम फैब्रिक पे डबल लेंगे। ये हम इसको कट कर लेंगे। और इसके चारों तरफ काटने के लिए हम 3-3 इंच की पट्टी कट करेंगे। आपको ज्यादा हैंकी रखने हो तो आप ज्यादा चौड़ी पट्टी लगा सकते हैं, कम रखने हो तो कम पट्टी लगा सकते हैं। ये हमारी 3.5 इंच की पट्टी है, तो इसको ही हम निकाल लेंगे। ये पट्टी, जो इतनी बड़ी पट्टी कट करेंगे जो हमारी चारों तरफ आ जाए। तो आइए हम अपनी फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा फैब्रिक है, ये कम फैब्रिक में भी बन जाएगा। और ये मेरी फॉर्म है और ये मेरा अस्तर है। तो आइए हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये भी हम 6x6 का भी ले सकते हैं, और थोड़ा बड़ा बनाना तो 7 का भी ले सकते हैं, और 6.5 का भी ले सकते हैं। जितना भी आपको बड़ा बनाना हो उतना ले सकते हैं। ये हमने इसमें 7 इंच का रखा है, 7 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे और अब इसका बॉक्स बना लेंगे। ये हमने इसका बॉक्स बना लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। ये हमने पीस कट कर लिया अपना। अब जितना हमने ये पीस कट किया है उतना ही हम अस्तर और फोम कट कर लेंगे। ये हमने डबल पीस लिए हैं, डबल ही हम अस्तर रखेंगे, डबल ही हम फोम रखेंगे। ये हमारी फोम है, इसको भी हम डबल रख के तरह कट कर देंगे। ये हमने फोम की भी 2 पीस कट कर लिए हैं, 2 हम अस्तर के पीस कट करेंगे। ये हमारे जो छोटे पीस बच जाते हैं उसमें से हम कट कर सकते हैं।
हमने अस्तर के भी दो पीस कट कर लिए हैं। अब हम इनको जॉइंट किस तरह करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी फॉर्म है, अस्तर हम नीचे रखेंगे इस तरह। पहले अस्तर रखेंगे, फिर हम अपनी फॉर्म रखेंगे और उसके ऊपर ये वाला फैब्रिक रखेंगे और इसको हम पहले या तो कच्चा कर लें या इसको हम पिनअप भी कर सकते हैं, फिर बाद में हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम ये दोनों पीस, अब हम पहले इसमें पिनअप कर लेंगे इसको इस तरह और इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये हमने अस्तर नीचे रख लिया है, बीच में रखी फॉर्म और ये ऊपर ही हमने फैब्रिक रखा है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इसमें। ये हमने इसको सिल लिया है, अब हम इसमें मनचाहा डिज़ाइन बना सकते हैं अपना। तो आइए हम इसमें पहले डिज़ाइन बना लेते हैं। इसमें हम 1 1 इंच पे निशान डाल लेंगे। ये हमने 1 1 इंच पे निशान डाल ली है, इधर भी लगा लेंगे। इधर भी और इस साइड भी, यानी कि चारों तरफ 1 1 इंच के निशान लगा लेंगे। अब हम इन पे बॉक्स बनाएंगे। ये हमने 1 1 इंच के बॉक्स बना लिए हैं, अब हम इन पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारा एक पीस तैयार हो गया है, इसी तरह हम दूसरा पीस भी अपना तैयार कर लेंगे। ये मैंने दोनों पीस कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इसकी जो चारों तरफ की पट्टी है वो तैयार करेंगे।
उसके लिए मैंने ये पट्टी 4-4 इंच की पट्टी कट की है, ये फोम कट की है, अस्तर और फैब्रिक। तो इसको हम पहले जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम नीचे अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर फॉर्म, फिर ये पट्टी। और इसमें एक सीधी सिलाई लगा देगी। ये मैंने पट्टी एक साइज से सिल ली है। अब हम इसमें पिनअप करके इसको चारों साइड से सिल लेंगे इसको। ये हमने इसको पिनअप कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा देंगे इसमें। ये पट्टी मैंने चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें बीच में डिजाइन बनाएंगे। आप जिस तरह का डिजाइन पसंद करें उस तरह का बना सकते हैं इसमें। ये मैंने इस पे निशान लगा लिए हैं। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इस पे लंबी सिलाई लगा ली है। अब हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इधर भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम अपना पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने इसमें सिलाई लगा ली है पट्टी में। अब हम इसको इससे जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले हम इसमें चैन लगाएंगे। तो हमें जितने एरिया में चैन चाहिए पहले हम इसमें चैन लगा लेंगे। हम यहाँ पे इसमें तीन तरफ हमें चैन चाहिए, तो हम इसमें जितना हमारा तीन साइड आएगा उतने में हम चैन लगा लेंगे। पहले हम इसको नाप लेंगे कितने एरिया में हमें चैन की ज़रूरत है। हमें
हमें यहाँ तक चैन लगानी है अपनी, हमें इतने एरिया में चैन चाहिए, तो हम यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे। इसके बीच में हम निशान लगा लेंगे 2 इंच, क्योंकि हमारी 4 इंच की पट्टी है, और इसके बीच में निशान लगा लेंगे। अब हम इसको निशान से निशान को मिला देंगे। और ये हम इसमें कट लगा देंगे। ये हमने यहाँ तक कट लगा दिया है, जहाँ हमारा कट है ये, यहाँ पे हम इस तरह करके इसको और आधा इंच का कट लगा देंगे। ये इस तरह हमने यहाँ पे अपना कट लगा लिया है। ये हमारी चैन है, अब हम इसमें चैन सेट कर लेंगे अपनी। चैन को हम इस तरह रखेंगे ऊपर, ये जो हमारा कट है इसे थोड़ा आगे रखेंगे चैन इस तरह, और सिलाई लगा देंगे। ये हमारी एक साइड चैन लगी है, अब हम दूसरी साइड लगा लेंगे। ये हमारी चैन सेट हो गई है, जो ये हमारा कोना है इसमें इस चैन को अंदर करेंगे। और यहाँ इसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ से सेट कर लिया चैन। अभी जो हमारी एक्स्ट्रा चैन है उसे हम कट कर देंगे। अब हम अपना ये पीस लेंगे, उल्टी साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। यहां से कोने से इस तरह लेंगे, हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे बाद में घुमा के ज्वाइंट करने के लिए,
ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और अब हम इसमें इसको सिल देंगे। ये हम इस कोने पे आए हैं तो कोने पे हम मशीन रोक के सुई अंदर करके इसमें और इसको घुमा देंगे इस तरह, और इस तरह हम ये अपनी पट्टी भी घुमा लेंगे ताकि हमारा ये चकोर शेप में आए। यहाँ पे भी हमने सुई रोकी अपनी और हमने इसको घुमाया पीस को और पट्टी को भी घुमाया और इसको भी। ये हमने यहाँ कोने तक सिल लिया है, अब हम पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। ये जो हमारी पट्टी है दोनों को इस तरह मिला के ये सिलाई लगा देंगे। हमने इसमें ज्वाइंट लगा दिया है, अब जो जरा सा हमारा एक सिलाई रहेगी इस पे हम पक्का कर देंगे। ये हमारा एक पीस पे सेट हो गया है, अब हम इस पे दूसरा पीस रख के इसको सेट करेंगे। ये हम इसको इस तरह रख के सेट कर देंगे इस पे, जहाँ पर हमारे ये कोने आए हैं, ये हमारे नीचे कोने हैं उसी को ही इस तरह हम पकड़ेंगे और यहाँ पे एक कट का निशान लगा लेंगे चारों कोने पे। ये यहाँ पर और ये कोना है हमारा, यहाँ पर अब ये वाला कोना है, यहाँ पर और एक कोने पे हमारी सिलाई आई हुई है, तो अब हम इसको कोने से कोना मिला के इस पे ज्वाइंट कर देंगे। जो ये हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम हल्का हल्का कट कर देंगे।
और अब हम इसे सीधा करेंगे। ये हमारी हैंकी किट तैयार है। इसमें आप बीच में एक गत्ता लगा सकते हैं ताकि ये हमारी सही तरीके से चकोर रहे।